नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेष लिएर हामी प्रस्तुत भएका छौँ। आदरणीय समादरणीय दर्शकगणहरू, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग रहेर संवादहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यो संवाद चाहिँ सोसल इभेन्टसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ पोलिटिकल भ्युजहरू, त्यसै गरी सोसल क्राइमका विषयवस्तुहरू र सोसल क्राइमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा पनि हामीले पटक पटक छलफलहरू गर्दै आइरहेका छौँ। वी आर डिस्कसिङ अबाउट दिस करेन्ट इस्युज एन्ड करेन्ट पोलिटिकल भ्युज एन्ड सोसल इभेन्ट्स इन दिस प्रोग्राम। आज हामी भने अलि विशेष रूपमा प्रस्तुत भएका छौँ। आज हामीसँग एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई न्युली पर्सनालिटी एन्ड त्यो पर्सनालिटी कस्तो हुनुहुन्छ जसको बारेमा हामीले सुनेका पनि छौँ, देखेका पनि छौँ। पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनलाई सोसल मोटिभेसनमा लगाउनु भएको छ, सोसल वर्कमा लगाउनु भएको छ। उहाँ छिमेकी देशबाट नेपाल आउनुभएको अवस्था भएकोले हामी त्यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उहाँसँग केही संवादहरू गर्दैछौँ रगत र रगतको विषयमा। त्यसै गरी उहाँले गरेका सोसल इभेन्टका वर्कहरूबाट हामी बढी प्रभावित हुने गरेका छौँ, किनकि सोसल वर्कहरूका कहीँ न कहीँ केही न केही क्षणहरू प्रत्येक ठाउँमा सोसल मुभमेन्टका वर्क्सहरू प्रत्येक ठाउँमा ह्युम्यानिटीसँग जोडिएका छन्। यसरी ह्युम्यानिटीसँग जोडिएका विषयवस्तुसँग हामीले कुरा गरिरहँदा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ महेन्द्र रक्तक्रान्ति। महेन्द्र रक्तक्रान्ति नाम आफैमा पनि एउटा विशेष नाम हो। सो वान स्पेसल नेम इज द महेन्द्र रक्तक्रान्ति विथ द गेस्ट अफ आवर प्रोग्राम टुडे। ही इज द सोसल वर्कर, सी इज द मोटिभेटर एन्ड सी इज द ही इज द क्याम्प अर्गनाइजर इन ब्लड डोनेसन फिल्ड। ही इज द वान स्पेसल personality who has donated blood in 184 times in the age of 57 years. In the age of 57 years, he donated the blood 184 times. That means 125 is the world blood and 59 SDP. It's not a joke. It's so proud jobs and it's so grateful life to serve the society. And since very impressive works, one of the females said us, because Mahindra Raktakanti is one of a logo of the Raktakanti. He is very impressive person who offered the life in on not on self. He lives the life for the society. He lives lives. He conduct his life for the humanity and all of the force of the life is for the blood donation and voluntary blood donation especially. So now we are welcome to the Mahendra Raktakanti in the studio. Welcome to the program. Thank you. सबसे पहले तो कैपिटल टीवी का और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने मेरे जैसे इंसान को यहाँ बुलाया है। और सबसे पहले मैं नेपाल का और नेपालवासियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। जय नेपाल। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिअलि यहाँलाई बानी पनि पढ्नुपर्छ हामी होइन। नेपाल आउनुभयो सर? नेपाल आने का एक कारण था कि यहाँ पे दो दिन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल ब्लड कॉन्फ्रेंस। और इंटरनेशनल ब्लड कॉन्फ्रेंस का मतलब था कि हम लोग यहाँ कुछ से सीख के जाएं और कुछ वहाँ से यहाँ हम मैसेज देवें। तो पहला ये मकसद था कि इंटरनेशनल नेपाल में हो रहा है, नेपाल और हिंदुस्तान दोनों काफ़ी मतलब भाईचारा और आना जाना और रहता है, दोनों का कल्चर और सारी जो भी है धार्मिक और सब लेवल से इक्वल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस कॉन्फ्रेंस को हम मैं जाऊँ। और जाने के बाद में मुझे एक हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला। लीडर ऑफ द टीम? यस सर, लीडर ऑफ द टीम नहीं, विद द माय टीम। आई एम नॉट लीडर, कि ब्लड डोनेशन में कोई लीडर नहीं होता है। वी आर ऑल आवर सेम एंड क्या बोलते हैं, साथ में चलो, नेपाली में क्या कहते हैं कि संगे संगे चलो। तो संगे संगे चलो के अंदर यही था कि हम एक मिशन लेके बैठे हैं और उसका नाम है मिशन रक्त क्रांति। मिशन रक्त क्रांति, जस्ते रक्त क्रांति हिंदुस्तान। यस, एंड नाउ वी आर इंट्रोड्यूस यस्टरडे मिशन रक्त क्रांति नेपाल आल्सो इन योर काठमांडू पशुपतिनाथ की पावन धर्म
धरा पे हमने ये अनाउंस कर दिया कल, और नेपाल वासियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी इस मिशन को आगे लेके जाएंगे और मिशन रक्त क्रांति नेपाल को अब हम हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता, हर एक घर में एक ब्लड डोनर हम करेंगे, ये नेपाल वालों ने कल एक्सेप्ट कर लिया और उसका एक हमने लोगो तैयार कर दिया। हर एक घर रक्तदाता, यस सर, घर घर रक्तदाता, रक्तदाता घर घर। और हर एक घर के अंदर भी एक डिफरेंस होता है। सपोज करो कि टू ब्रदर एक घर में रह रहे हैं, एक ऊपर रह रहा है, एक छोटा नीचे रह रहा है, या इधर भाई बड़ा रह रहा है, इधर छोटा रह रहा है, दोनों के खाना अलग अलग है, तो हम चाहते इस ब्रदर के घर में भी एक कोई ना कोई डोनर हो, उसकी वाइफ हो, वो खुद हो या बच्चा हो, और दूसरे वाले भाई के घर के अंदर भी यही हो, मतलब घर एक हो गया, पर हर घर में भी होना चाहिए। जितने चूल्हे, क्या बोलते हैं उसको हम, खाना चूल्हा, और जितने चूल्हे हैं उतने रक्तदानी होने चाहिए, होने चाहिए। ये हमारा मिशन रक्त क्रांति का। रक्त क्रांति इज ए नॉट ए, रक्त क्रांति इज ए विजन, रक्त क्रांति इज ए माय गोल, माय टीम गोल, और ऑल आवर ब्लड डोनर्स गोल, कि गोल अचीव करना है, कभी ना कभी तो हम इस देश के अंदर, नेपाल के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भूटान के अंदर तो हमने ये ज्वाला जला चुकी है, पूरे ग्लोबल के अंदर हम ये करेंगे कि हर जगह से निकलेगा, हर देश से, मैं रक्त क्रांति हूं, मैं रक्त क्रांति हूं। और इसके चलते चलते जो ब्लड की समस्या हो रही है, जो बहुत सारे लोग आप भी देखते हो नेपाल के अंदर, मेरे जो टीवी के दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आप देखते हो एक्सीडेंट के अंदर जब डिलीवरी केस होते हैं, तब उसके बाद में एक थैलेसीमिया रोग आ गया है, जिस बच्चों के रोग के अंदर ब्लड बनता नहीं है। तो खास मैं नेपाल वासियों से, मेरे भाइयों बहनों से कहूंगा कि ऐसे बच्चे पैदा करना, हमको बंद करना भी हमारे हाथ में है कि ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो। अगर वो हो गए हैं तो उनको ब्लड दे के, जैसे हम लोग सुबह उठते ही खाना, चाय और कुछ भी जो भी होता है वो नेसेसरी होता है, पानी, उन बच्चों के लिए नेसेसरी ये होता है कि सर अगर उसको हम ये ब्लड नहीं देंगे तो वो दूसरा दिन नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अहमदाबाद के अंदर मैं जैसे काम कर रहा हूं, तो वहां 1200 बच्चे हैं सर, और ऐसे हिंदुस्तान में भी बहुत हैं, नेपाल में भी बहुत हैं, और ये एक बहुत भयंकर रोग है। माँ बाप खुद परेशान हो जाते हैं, और उस बच्चे को हम जिंदा रखने के लिए, या मेरे जैसे काफी लोग हैं जो इस मिशन पे चलते हैं, मेरे नेपाली मित्र भी बहुत है, जनक खड़का इज माई वेरी गुड फ्रेंड एंड माई ब्रदर, वो मुझे यहाँ इनवाइट किया, और यहाँ ब्लोदान जो एसोसिएशन चल रहा है, कल मैं जिसमें था, ब्लोदान के अंदर है हमारे अध्यक्ष महोदय, कल साधु बाबू उन्होंने भी कहा कि ये हम जरूर लेके चलेंगे। तो मैं उन सबका तहे दिल से यहाँ से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे कल एक मंत्री जी आए थे, रेखा शर्मा जी, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इस माध्यम से मैं उनको कहूंगा कि मैडम आप अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आपके हाथ में तो पावर भी है, तो कम से कम हमारे जितने भी डोनर हैं मेरे जैसे, तो उनके लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि वो अपने कार्यक्रम को आगे लेके चाहिए। कल चीरू बाबू मेयर साहब भी आए थे, ललितपुर के, तो उनसे भी हम, ये लोग क्या है कि इनके हाथ में पावर होता है सर, ये बड़े लोग हैं, ये राजनीतिक के अंदर भी पावर रखते हैं, और इनका इशारा कोई भी मान सकता है। और ब्लड डोनर एक ऐसा है कि मैं फिर आपसे इस टीवी के माध्यम से दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग एक भगवान का रोल कर रहे हो, आप डोनर होके एक भगवान का रोल कर रहे हो, जो ब्लड आपके शरीर में भगवान दे रहा था वो आप किसी को दे रहे हो। तो मैं ब्लड बैंकों से भी यही कहूंगा कि आपके यहाँ पे भी कोई ब्लड डोनर आ रहा हो तो उसको आप भगवान मानिए, वो आपके दरबार पे आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट जो आप करते हो, उससे बातचीत करते हो, उसको आप बिल्कुल ही तमीज और तहजीब से, और क्या कहते हैं नेपाली के अंदर सर, मुझे बताइए, किसी को आदर के साथ क्या कहते हैं, एकदम सम्मान के साथ में, उसको सम्मान के साथ में उसको बिठाइए, उसको पानी वानी पिलाइए, क्योंकि वो आपको ब्लड दे के जा रहा है अपने शरीर से। तो सर ये ऐसे एक माहौल है। और दूसरा क्या होता है कि ये शरीर के अंदर कितना बड़ा भी आदमी हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, कैसा भी हो, हर आदमी के घर भगवान ने 5 से 7 लीटर ही खून दिया है, बाकी उसके शरीर में चर्बी, हड्डियां और सब चीजें होती है, और उस 5 से 7 के अंदर 350 ml ही ब्लड लेते हैं। तो घबराइए मत, थोड़ा सा दर्द और किसी की जिंदगी बच जाएगी, उसको जीवन दान मिल जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम जब आप करते हो, तो मैं सबसे पहले तो कैपिटल टीवी का और हमारे मित्र
का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इस बात को लेकर मुझे यहाँ तक इतना मौका दिया, और ऐसा कह सकता हूँ कि आज मैं मेरे ही देश में बैठा हूँ, किसी पराए देश में नहीं बैठा हूँ। नेपाल इज माई कंट्री, नेपाल सब नेपाली है, वो मेरे भाई बहन है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ जब बैठ के और इतने बड़े नेटवर्क के सामने इसके साथ में कर रहा हूँ, और ऐसे मित्र के साथ में बैठ कर रहा हूँ जो ब्लड को समझते हैं, दोस्तों भाइयों बहनों, मैं तो इनको दिल से, एक अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मेरी बात को समझा। आप भी ऐसा काम कीजिए, मैं आज यहाँ कोई VIP नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस इतना ही किया, मैंने मेरा जो शरीर से खून था सर वो खराब होने वाला था, वो मैंने दे दिया बस। हर आदमी 90 दिन के बाद खराब हो जाता सर, लॉस ऑफ द ब्लड आफ्टर 90 डेज, नेचुरली सर। यू प्रोवाइड, यस, रेड क्रॉस, या ब्लड डोनेशन एज अ नेम ऑफ ब्लड डोनेशन, यस, इट सेव्स द लाइफ ऑफ मेनी पीपल, यस सर। लाइक वन ब्लड डोनेशन सेव मोर देन थ्री लाइफ, यस, इट्स अ सो गॉड गिफ्ट, सो गॉड गिफ्ट। नो कैन मैंने मैं के ब्लड, नो साइंटिस्ट एंड नो फैक्ट्री, एंड कोई मैं के ब्लड आज तक किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया, न किसी, बहुत सारे साइंटिस्ट लग चुके हैं, इवन दो नासा जो है उसने भी इस पे काम कर लिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, चाइना, इंडिया, आवरी कंट्री बहुत सालों से काम कर रही है कि हम कहीं इसका सब्स्टिट्यूट बना रहे। नोबडी सक्सेस। तो ये हम कह सकते हैं कि आपको भगवान ने एक अच्छा मौका दिया है, और मुझे तो इसमें खुशी हो रही है कि मैं पशुपति नाथ की नगरी में बैठ के और मेरे ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने बैठ के और मेरे विचार रख रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे विचार है, मैं जो बोल रहा हूँ 100% सत्य है, उसमें कोई भी नहीं है। 184 टाइम का सर मेरे पास फर्स्ट से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड है, 184 टाइम्स या रिकॉर्ड है, या और 100 फोटोग्राफ भी मेरे पास में। शायद मैं भी पहले एक बार, जब मेरे फिर भाई बहनों को बताऊंगा इस माध्यम से, मैं पहली बार भाग गया था फ्रॉम ब्लड डोनेशन कैंप से, और रीजन बिकॉज ऑफ माय फियर, और मैं क्यों दूं मेरा खून, कमजोर हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, सुई लगेगी, व्हाई शुड फॉर अनदर, मैं क्यों हेल्प करूं किसी की, मरा है मरने दो, ऐसे मेरे विचार थे। फिर एक मेरा दोस्त था और आज वो अमेरिका में बैठा हुआ है, मिस्टर अवनीश पटेल, मुझे प्राउड फील होता है जब उसका नाम लेता हूं ऐसे, आज इस बड़े मंच से मैं आज को बात कर रहा हूं इतनी बड़ी टीवी से, और वो अमेरिका बैठा हुआ है, मैं भारत का हूं और नेपाल के अंदर उसके नाम ले रहा हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छा है वो, इज माई गुरु। तो उसने मुझे बड़े एक साल तक मेरे पीछे पड़ा और मुझे समझाया, फिर उसने मैंने देने शुरू किया, और आज से लेकर अभी तक कंटिन्यूस एवरी थ्री मंथ में, और भगवान की दया से देयर इज नो डिजीज, नो डिजीज, इवन दो सर कोविड कॉल आल्सो माई रूटीन इज एवरी मॉर्निंग थी लेट नाइट तक मैं जाता था बाहर, कोविड इज नॉट नियर मी, वो कभी आया भी होगा तो डर के भाग गया या मर के भाग गया, चल गया, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा है। यस सर। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा सर, मेरे शब्दों को खास आप नेपाली भाषा में रिपीट कर दिए, जिससे कि मेरे मित्र नेपाली लोग हैं, नेपाली लोग मेरे भाई बहन कहीं ना कहीं कुछ भी हो वो भी मेरे रास्ते पे चल चुके। दोस्तों मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, महेंद्र रक्त क्रांति मेरी सरनेम जो है, रक्त क्रांति लाने के लिए रखी है, मुझे आपके यहाँ पे नेपाल के अंदर रक्त क्रांति के नाम से जानते हैं, और उसका कारण क्या है कि मिशन है, और मिशन को लिए मैंने अपनी सरनेम बदल दी सर। इसका कारण ये है कि मुझे लोग ये नहीं पूछते हैं कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, और वक्त ब्लड के अंदर कभी भी कोई जात पात नहीं आता, नो कास्ट, नो कल्चर, नो कंसेप्ट, नो नो जेंडर, नो जेंडर, नो जेंडर, नो सेक्स, नो सेक्स, राइट। तो वो ब्लड इज ब्लड, ब्लड इज ब्लड, इवन दो सर इसलिए क्या है कि भाई वो कहते हैं कि आप अभी इस जैकेट पे तो मेरा नाम जोशी लिखा हुआ पर मेरे पीछे इसके अंदर रक्त क्रांति लिखा, तो पूछते सर रक्त क्रांति किस में आता है, मैंने कहा मानवता में आता है, इन ह्यूमैनिटी, बस ह्यूमैनिटी इज माई सरनेम, जो रक्त क्रांति लिखा है तो इससे है ये। मैले यहाँलाई नेपाली भाषा, नेपालीपन, नेपाली मान्छेलाई साह्रै माया गर्नुभयो, मैले यहाँलाई प्रश्न पनि बिस्तारै नेपालीमै सोध्ने प्रयत्न गरेँ,
यहाँले रक्त क्रान्ति हिन्दुस्तान लेखेको ज्याकेट लगाइराख्नु भएको छ है, यहाँले बोलेकै प्रत्येक वर्डमा एभ्री वर्ड रक्त क्रान्ति, हर घर रक्तदाता, घर घर रक्तदाता, रक्तदान महादान, हामी यसरी हिँडिरहेका छौँ। नेपाल पनि त्यही कामले आउनुभयो, जीवनका 57 इयर्स बिताउनु भयो रगतमै काम गर्नुभयो, न त कारखानामा बन्छ न त धनीहरूले मात्रै किन्न पाउँछन्, पैसावाला खरिद सक्ता उसको होइन, एक्चुअली यो त उनीहरूले खरिद गरेर राख्छु भन्न पनि पाउँदैन। इट इज नट इनफ फर द रिच पिपुल, इट इज नट नीड फर द poor people, not a reality. Yes sir, 100% true. In which time, in which, whom need the blood? Yes. Not sure. We need the blood, not to ask which gender, which caste, which language. Everybody forget. Then blood is blood. Every people give the red blood. Yes. Receive the red blood. Red blood. Right? Yes. Components are different. STP is a single platelet and plasma also. तो सिंगल प्लेटलेट्स जो होता है वो जनरली सर कैंसर पेशेंट के लिए होता है, ये तो कैंसर पेशेंट जस्ट लाइक ए जड़ी बूटी, और इफेक्ट उसे जस्ट में से कहते हैं वो क्या होता है कि दीपक होता है और उसमें आप जैसे घी डालोगे तो उसकी रोशनी तेज हो जाती है। सेम थिंग इज एक कैंसर पेशेंट को अगर आप एसडीपी देते हो तो उसका जीवन बिल्कुल ऐसे हो जाता है, वो मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, और उसको कई बार 5-7 बार एसडीपी देने के बाद में उसका कैंसर बिल्कुल जीरो भी हो जाता है। तो ये एसडीपी जो उसके लिए, और प्लाज्मा जो आता है वो कोविड में चला था, कोविड के टाइम में प्लाज्मा दे रहे थे हम लोग कि उसके अंदर कोविड से प्लाज्मा का उसमें दिए थे। और ऐसे ही WBCR आता है जिसके अंदर रेड सेल होते हैं, तो वाइट सेल होते हैं, तो वाइट सेल का भी होता है, और ऐसे करके चार कंपोनेंट के अंदर होता है, होल ब्लड के अंदर ये चारों होता है। तो आजकल मशीनरी इतनी होगी, मैंने कल पता किया था कि नेपाल के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी आ गई है, तो ये आ रहा है। और दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपने हिंदुस्तान के बारे में जरूर सुना होगा, हिंदुस्तान जिस जिस चीज़ के लिए फेमस है, कभी आपने सुना होगा ताजमहल का नाम लिया होगा, कभी दिल्ली के लिए होगा, अभी वो हम सबसे बड़ा स्टेडियम बना है उसका नाम सुना होगा, कभी आपने वो स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए नाम सुना होगा, बट मैं ये बता चुका हूँ कि एशिया से सबसे बड़ा ब्लड बैंक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अहमदाबाद का है, जो 40 मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 4th-5th floor का है, उसके अंदर पार्किंग, उसके अंदर रोबोट वेलकम करता है, हम ब्लड डोनेट करने जाओगे टोटली मॉडर्नाइज, यस सर मॉडर्नाइज टोटल ब्लड उसके अंदर, जैसे ही आप जाओगे फैसिलिटी और रोबोट से हेलो सर एवरेज लैंग्वेज, फर्स्ट वी आर 3 languages, फर्स्ट इन इंग्लिश, देन हिंदी एंड गुजराती, और उसके बाद में हम दूसरी लैंग्वेज भी करेंगे, तो आप उसको रोबोट को जैसे ही जिस लैंग्वेज में बात करोगे वो जवाब देगा वेलकम सर। अगर हम कोशिश करेंगे कभी नेपाल के मित्र हिंदुस्तान में आइए तो अहमदाबाद की ब्लड बैंक जरूर दे, देखने जैसी है, वहाँ पे हम ब्लड बैंक का सारा रिकॉर्ड है सर, डिजिटल रिकॉर्ड है, आजकल हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है ऐसा कि आपको ब्लड के बारे में क्या जाएंगे, वहां डिजिटल ऐसे आप रखिए, आप जिसको भी प्ले करोगे आप उसके बारे में पूरी स्टोरी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, अहमदाबाद एवरी। हाँ यस सर, मैले सर अब यहाँले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ, मैले दुःख गर्नै परिरहेको छैन, मलाई कुनै झन्झट भइरहेको छैन कि मेरो आजको अतिथिलाई मैले प्रश्न सोधेपछि उत्तर दिनुहोस् त्यो मलाई जरुरतै भएको छैन, यहाँले सबै कुरा भन्नुभएको छ। एउटा सामान्य परिवारको मान्छे अहिले विश्वका धेरै ठाउँहरूमा ब्लडको क्रान्ति लिएर होइन रक्त क्रान्ति नामले चिनिनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, भन्छु नि एउटा आत्मसन्तुष्टि भन्छु नि हामी, डु यु नो अबाउट आत्मसन्तुष्टि, सेल्फ सटिस्फ्याक्सन, दिस इज बस इसके आगे कुछ भी नहीं है, लास्ट इज आत्मसन्तुष्टि इज नियर टु गॉड यस and order of the god to go the blood donation, yes sir serve the people, yes sir this is order। सपोज कर सर यू आर हेल्दी, आउटसाइड ऑफ हेल्दी नॉट इनसाइड,
आप लग रहे हो ऐसा ऐसा है, मैं फिट हूँ, स्मार्ट हूँ, सब कुछ, बट दैट टाइम डोनेशन के अंदर आपको सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन होगा, देन बीपी चेक होगा, उसके बाद में वो पूछेंगे कि आपको, तो 19% सर आफ्टर 25 आई थिंक 25 हीमोग्लोबिन इज लेसर देन 12.5% एंड बीपी आर ऑल्सो अप एंड डाउन. सो यंग बॉयज एंड गर्ल्स दे कैन स्मोकिंग ड्रिंकिंग. सो आई रिक्वेस्ट ऑल यंग ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज लीव द ड्रिंकिंग, फॉरगेट, जो भी नशा करते हो आप उसको छोड़ दीजिए. नशा आपको बर्बाद करेगा, आपके परिवार को बदा करेगा, लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो एवरी थ्री मंथ आपका रिपोर्ट आ जाएगा. जो ब्लड बैंक के अंदर आप रिपोर्ट चार्ज करवाते हो, आई डोंट नो इन नेपाल ये क्या चार्ज होता है सर. आप डॉक्टर सब फर्स्ट सबसे पहले क्या कहता है, अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है आप ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करवाते हैं, उसको एक स्लिप पे प्रोसेस इज ब्लड. तो वो क्या है कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपका एवरी थ्री मंथ रिपोर्ट आ जाएगा और आपके मोबाइल पे आ जाता है. यहाँ पे भी नेपाल में भेजते हैं, सेम भेजते हैं, और उसके अंदर से ये आ जाता है मलेरिया नील, एचआईवी नील, वो नील, एचबी इज 12.5%, बीपी इज वेरी गुड, देन वेरी हैप्पी, ऐसे फील करता है कि यार दुनिया में सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ. वंस आई फील दैट आई सेव द मोर देन थ्री लाइफ. यस सर. वन मेन satisfaction. Satisfied. Second satisfaction. I am healthy. Yes. Because my certificate is in my pocket, in my mobile. And next one, I'm proudly say, yes, I'm a social worker. Yes. I can do the work, give to work for humanity. Yes, humanity is the most important. Yes, sir. Right? Blood. Manchela mancheke chaincha. That's for sure, sir. Right? Women gets women blood. Otherwise, nothing else. सो यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ. अब म यहाँलाई एउटा क्वेसन राख्छु. रक्तक्रान्ति नेपाल अघि उहाँले भन्नुभयो है, अब यहाँ चाहिँ इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ है, सिटिजनले ओन्ली फर द सिटिजन यु आर द इन्डियन, बट इन युर वर्क यु आर द ग्लोबल पर्सन. यस सर. राइट. यस सर. बिकज यु वर्क ल ग्लोबल मिसन. यस सर. यस 100% सर. राइट. सो नेपालको लागि अहिले भन्नुभयो नि रक्त क्रान्ति नेपालको नारा र लोगो लिएर म नेपाल आउँछु आइरहेको छु. यस सर. राइट. यस सर. इज इट पोसिबल एक्सेप्ट द नेपाली पीपल. सर पोसिबल 100% पोसिबल बिकज नेपाल इज एज माई फ्रेन्ड्स, माई ब्रदर एन्ड सिस्टर, दे आल्सो लुक मी एभ्री टाइम माई पोस्ट इन फेसबुक अकाउन्ट. ए माई फ्रेन्ड्स आर कम्स इन इन्डिया इन सो मेनी meetings and conference, so they are they want to exactly Rakt Kranti in Nepal. Yeah. Hindustan ke andar aise Rakt Kranti chal rahi hai, to hum chahte hain ki Nepal mein bhi aisi Rakt Kranti hai, aisa unka vichar tha. To humne socha hai ki ye vichar hum Hindustan se khud hi leke chalte hain. Yeah. Aur humne wahan pe ek logo banaya. Sabse pehle jo humne Rakt Kranti ka logo banaya sir, kal hum yahan pehli baar launch kiya. और हमने हमारा लोगो लॉन्च करने से पहले हमने नेपाल का लोगो लॉन्च किया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो था वो नेपाल का था. हमारे उन्होंने जब बुलाया था सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, तो हमने सबसे सोचा कि अगर हम हमारा लोगो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बहुत ही छोटे नजर आएंगे. तो सबसे पहले हमने बहुत बड़े, हमारे से छोटे बैनर थे हमारे, और हमने नेपाल का बहुत बड़ा बनाया, उस पर लिखा मिशन रक्त क्रांति नेपाल, और नेपाली के अंदर नेपाली और हिंदी इज वर्डिंग इज सेम, और उसके अंदर लिखा, और नेपाल का हमने उस पर फ्लैग बनाया, एक तरफ इंडिया का फ्लैग बनाया, और उसके बाद में उस मंच से हमने लॉग किया, उस लॉन्च किया, और लॉन्च के बाद में हमने कहा कि आज ही हमने हिंदुस्तान में किसी को बताया नहीं था कि ये एक रक्त क्रांति का लोगो इन द सेंस है कि सर कि आप कहीं पे भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो एक सिम्बॉल उस पर होगा, तो लोग पढ़ेंगे कि ये रक्त क्रांति का मिसाल है, उसमें एक मसाल दी हुई है और मसाल के ऊपर एक ब्लड का सिम्बॉल है, और ऐसे मिशन रक्त क्रांति. दैट इज, तो वो जब नेपाल का किया और उसके बाद में हमने किया, तो वो लोगों वो जो मंच पे जो थे और नेपाल वाले जो थे सबको खुशी हुई कि चलो ऐसा है, नेपाल इंडिया का छोटा भाई है, राइट थिंग्स, नेपाल इंडिया का छोटा भाई है, उसी का एक शरीर में से वो है, इसलिए और दोनों इसलिए. तो हम हमेशा ब्लड डोनर जो होता है ना वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे जो भी है सब आगे बढ़े, मैं पीछे रहूं, मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता है कभी भी. जिस लोगों ने जिन्होंने भी देना सीख लिया है वो हर जगह पे भी देना सीखेगा. संस्कार घर से शुरू होते हैं सर.
संस्कार घर से शुरू होते हैं। आप जिस दिन देना शुरू कर लिया, उसके बाद में आप जिंदगी में दुनिया में सबसे अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि हम लोगों की जब तक भावना रहती है, हो सकता है नेपाल में कम है, मैंने देखी हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी होता है, लेना है, कितना बड़ा भी आदमी हो लेना है, तो जिस वो ब्लड डोनर जो होता है ना, वो देना सीखता है और अपना खून दे देता है, तो उसके दिमाग में आता है कि यार मैं मेरे शरीर का खून दे सकता हूँ। सपोज करो आप और मैं जा रहा हूँ, आपकी कार आई, मेरी कार आई, हम दोनों से आपने से हुई, और फॉरगेट इट कि आपकी गलती थी कि मेरी गलती थी, आप उतरे और आप गुस्से में मुझे कुछ बोलने लगे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार चलो मेरी गलती नहीं, इनकी भी गलती, सॉरी सर मैं माफी चाहता हूँ, आपकी गलती है, तो सर कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर दिया, रिपेयर तो होने वाली नहीं, तो देना सीख लिया मैंने। ब्लड डोनेशन जसले गर्छ उसले दिन सिक्छ, देना सिक्छ, देना सिक्छ, एभ्रिथिङ इज। दो भाइयों के अंदर जमीन जायदाद के भी झगड़े होंगे, वो कहे छोड़ा भाई दे दीजिए, मेरा मित्र कल हम रात को बैठ के बात कर रहे थे, मैं पुनः यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा कि मिस्टर जनक खड़का, वो रात को बैठ के उन्होंने बताया, वो छोटे भाई से बहुत प्रेम करता है, बोले हम ये झगड़ा नहीं करते हैं, बोले सब तेरा ही है, तो काफी ऐसा फील होता है। तो ये जब चीजें होती है ना, तो ये चीजें हम फिर जमीन पे उतारते हैं, यहाँ से लेके सुनना बहुत अच्छा लगता है। गीता जी के अंदर भी लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है, और ये व्हाट्सअप जो चलता है उसके अंदर सुबह सुबह सब ऐसे लगता है कि मैं ही एक सबसे दुष्ट आदमी हूँ, सारी दुनिया तो बहुत अच्छी है। तो वो रियल में नहीं होता है, रियल में देना सीखिए, और देना जब भी सीख सकते हो, एक बार आप ब्लड बैंक में जाइए, अपना खून दे दीजिए, उसके बाद में आपका खून जो है नया बनेगा और आपके विचार नए बनेंगे, नए बनेंगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, सोशल इवेंट, एवरीथिंग इंक्रीज, राइट। ओके सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ है। अब यहाँ नेपालबाट आफ्नो मातृभूमि फर्कदै हुनुहुन्छ, नेपाल र भारतलाई हामी एउटा भाइ भाइको सम्बन्धको रूपमा लिन्छौँ है, होला क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सानो होला, तर कला कौशल संस्कृति र यसको इन्डिपेन्डेन्सको हिसाबले नेपाल भारतको निकै सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हामी देख्छौँ होइन। हामी आफ्नो ठाउँमा पोलिटिकल इस्युजहरू होलान्, तर हाम्रो कल्चर कुराहरूसँगै मिलेर गइरहेको छ, र तपाईँ लागिरहेको क्षेत्र पनि ह्युम्यानिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ इन द होल वर्ल्ड, नट ओन्ली इन्डिया, नट ओन्ली नेपाल, इन द होल वर्ल्ड। त्यो एउटै पोइन्टबाट सफल हुन्छ, सक्सेस हुन्छ, द्याट इज द ब्लड, ब्लड सर, ब्लड इज रेड कलर। एन्ड सपोज करो कि एक पिक्चर के अंदर, एक हिंदी पिक्चर थी, उसके अंदर नाना पाटेकर ने अपनी अंगुली पे पत्थर मारा और दूसरे उसको मारा, फिर उसने मिला दिया, बोले ये किसका खून है, तो नोबडी नोटिफाई, ये नेपाली का खून है, ये इंडियन का खून है, ये अमेरिकन का खून है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बनाने वाले ने हम बीच के अंदर कुछ नहीं है, तो क्या है कि राजनीतिक पॉइंट है जिसके हम चर्चा नहीं कर सकते, नेपाल नेपाल और उनके जो भी है एक अलग बात है, पर हम ये जरूर जानते हैं कि मेरे जितने भी ब्लड डोनर फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो सब मेरे से बहुत अच्छे हैं सर, मैं उनसे सीखता हूँ। आपके जितने भी, कल भी मेरे को बहुत प्यार दिया नेपाल वासियों, मैं थैंक यू कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कहते हैं ना कि राम राचे, राम राचे, राम राचे, राम राचे, राम राचे, तो आप सबको राम राचे, और यू आर वेरी गुड पीपल, और आई रिक्वेस्ट यू another time ki you give blood and donate blood and save life. Okay, hamlai samay dinu bho yesko lagi capital television, capital fm lagayet hamro sampurna team yaha lai hardik dhanyabad dinchu. Thank you sir, thank you very much, thank you. Jai Nepal, Jai Nepal. आदरणीय दर्शकबिन, मैले अहिले भर्खरै कुरा गरेँ महेन्द्र रक्तक्रान्ति, जो मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँ नागरिकताको हिसाबले भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, तर उहाँको मिसन, उहाँको गोल, उहाँको भिजन र उहाँले गरिएको काम हेर्ने हो भने इज द ग्लोबलाइज पर्सन। उहाँले ग्लोबलको पनि अझै एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो, एउटा मानवीयताको क्षेत्रमा आफू क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कामको हिसाबले सबैलाई भाइ भाइको भाइचाराको रूपमा लिनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै पनि राजनैतिक आस्था अथवा यसको भूगोलको कुरा, आन्तरिक द्वन्द्वको कुरासँग कुनै सवाल छैन। त्यो हेर्ने निकाय अर्कै छ, त्यहाँ झगडा गर्ने ठाउँ अर्कै छ, त्यहाँ माया प्रेम गर्ने ठाउँ अर्कै छ। दे लभ्ड, दे वार, एन्ड दे डु एभ्रिथिङ, देयर इज नो प्रब्लम, बट इट इन सेक of the humanity and likewise the blood donors. Essentially, voluntary blood donation is so important for the humanity. I like and I do the best work for the humanity.
he's told us in this program. Now we are going to close this program, and thanks for you. Thanks, sir. For the time. Okay. Thank you, Capital TV. हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ. तपाईँको सम्पूर्ण समय उत्तम भएर बितोस्. हामीलाई सुझाव, प्रतिक्रिया र सल्लाहहरू दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता राजन उपानी र आजका हाम्रा अतिथि महेन्द्र रक्तक्रान्ति सहित हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्. तपाईँको सम्पूर्ण समय शुभ बितोस्. जय होस्. नमस्कार.